और इस बीच बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को करनी थी वो डिले हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए और बाकायदा फोटो के जरिए ये जानकारी दी कि उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक लिया गया, लिहाजा तय वक्त पर तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू हो पाई। दिल्ली में रोका गया मेरा हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर को बिना वजह रोका गया। हालांकि बाद में दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने की उन्हें इजाजत मिल गई, लेकिन अभी तक ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका वक्त दोपहर 1 बजे का मुकर्रर किया गया था वो नहीं हो पाई है। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का की शुरुआत नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद अखिलेश और जयंत की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें कई तरीके की बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कही जा सकती हैं। कई बार अपना रुख साफ कर चुके हैं जयंत चौधरी कि वो इस गठबंधन को नहीं तोड़ने वाले हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश का ये ट्वीट देखिए जिसमें बकायदा हेलीकॉप्टर के आगे खड़े होकर अखिलेश ने कहा कि बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोककर रखा गया और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा की हताशा और निराशा साफ तौर पर इस कदम से दिखाई देती है। ये दिखाई देता है कि क्यों बेवजह मेरा हेलीकॉप्टर रोका जा रहा है। जनता के सामने सब कुछ साफ है, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर रोकने पर भड़के अखिलेश यादव, और यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट भी कर दिया